गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्लास थर्ड, जीके, पेज नंबर 18, क्लीवर बीरबल एंड द फार्मर्स बेल। स्टोरी टाइम है, तो इसमें आपको क्या है, कहानी है, वही कहानी आपको सुनना और समझना है। देखिए क्या हुआ कहानी में। इसको क्लीवर बीरबल, चालाक बीरबल और फार्मर्स बेल, किसान का कुआं। फार्मर मीन्स क्या होता है, किसान, और बेल मीन्स बेटा, कुआं। क्लीवर बीरबल एंड द फार्मर बेल्स, चालाक बीरबल और किसान का कुआं। वंस टू फार्मर केम टू किंग्स अकबर कोर्ट। एक बार दो किसान किसके दरबार में आए, किंग अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में आए। They wanted him to settle a dispute between them. Dispute means होता है बेटा लड़ाई, झगड़ा, बहस। उन दोनों के बीच कुछ बहस थी, झगड़ा थी, उसी को लेकर दोनों लोग कहाँ आए, दोनों किसान जो है राजा अकबर के दरबार में आए। The first farmer said that he bought a well from the other farmer. पहला किसान बताया कि महाराज मैंने इनसे क्या खरीदा। द फार्मर सेड दैट ही बॉट ए वेल फ्रॉम द अदर फार्मर, कि वह दूसरे किसान से कुआं खरीदा। पहला किसान बताया कि वह दूसरे किसान से कुआं खरीदा। बट नाउ ही इज़ नॉट अलाउइंग हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट, लेकिन अब क्या है, लेकिन बट नाउ ही इज़ नॉट अलाउइंग हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट। अब जो है, जो जिस किसान से उन्होंने कुआं खरीदा था, उस किसान ने दूसरे किसान को पानी निकालने से मना कर दिया। किंग आस्क्ड द अदर फार्मर्स एज टू व्हाई ही वाज डूइंग दिस। राजा ने दूसरे किसान से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, आपने कुआं बेच दिया था, उसमें पत्थर हो कि पानी हो, कुछ भी हो, तो उसका मालिक तो जिसको आपने बेच दिया हो गया। किंग आस्क्ड द अदर फार्मर एज टू व्हाई ही वाज डूइंग दिस, कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो। He replied, वह उत्तर दिया, I have only sold the well, not its water. तो दूसरे किसान ने आंसर दिया कि मैंने क्या बेचा था, केवल कुआं बेचा था, न कि कुएं का पानी बेचा था। He replied, I have only sold the well, not its water. तो दूसरे किसान ने उत्तर दिया कि मैंने केवल कुआं बेचा था और कुएं का पानी नहीं बेचा था। इफ़ ही वांट्स टू यूज इट्स वाटर देन ही मस्ट पे मी फॉर दैट। तो दूसरे किसान ने कहा कि अगर वह उसका पानी इस्तेमाल करना चाहता है, इफ़ ही वांट टू यूज इट्स वाटर देन ही मस्ट पे मी फॉर दैट, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, मुझे पेमेंट करना होगा, मुझे पैसे देना होगा, तभी वह पानी कुएं से निकालेगा। अकबर स्माइल्ड, अकबर क्या किए, मुस्कुराए। अकबर स्माइल्ड, ही कॉल्ड बीरबल टू सॉल्व द केस, और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर मुस्कुराए और बीरबल को बुलाया सॉल्व द केस, और कहा कि बीरबल इस केस को आप सॉल्व करिए। देखिए बीरबल बेटा यहाँ क्या करते हैं। बीरबल सेड टू द सेकेंड फार्मर, बीरबल ने सेकेंड फार्मर से क्या पूछा, कहा बीरबल सेड टू द सेकेंड फार्मर, यू हैव सोल्ड योर वेल। उन्होंने कहा कि अपने आपने क्या किया है, अपना जो है कुआं बेच दिया है। अकबर ने कहा कि क्या आपने अपना कुआं बेच दिया है, यू बेच चुके हो। उन्होंने अकबर ने पूछा क्या आप अपना कुआं बेच चुके हैं। नाउ टेक योर वाटर इल्स वेयर आर पे रेंट टू द ओनर ऑफ द वेल। नाउ टेक योर वाटर इल्स वेयर, आप अपने पानी को कहीं भी निकाल कर लेके जाइए। तो बीरबल ने क्या कहा, आप कुआं बेच चुके हो, आप अपने पानी को उसमें निकाल लीजिए। टेक योर वाटर इल्स वेयर, कहीं भी ले जाओ, किसी जगह ले जाओ, आर पे रेंट टू द ओनर ऑफ द वेल, तो जो दुकान का, जो कुएं का मालिक है, आप उसे पेमेंट करो और अपना पानी निकाल के लेके जाओ। आउटमैटर्ड बाई बीरबल द फर्स्ट फार्मर एक्सेप्टेड हिज
मिस्टेक। अब बीरबल की इस तरह की चतुराई की बातों को सुनकर जो कि उसे लगा कि लो ये तो मेरा सारा काम उल्टा हो गया, मैं पानी का पैसा लेने आया था, यहाँ तो इन्होंने कहा कि अपना पानी निकाल कर ले जाओ। फार्मर एक्सेप्टेड दिस हिज मिस्टेक। इसके बाद किसान को अपनी गलती स्वीकार हुई। ही वॉज लेट ऑफ बाय किंग अकबर आफ्टर ईस्टर्न वार्निंग। उसे जो है राजा के द्वारा चेतावनी दी गई कि आइंदा से आप ऐसा नहीं करोगे, और उसे क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ही वॉज लेट ऑफ बाय किंग अकबर आफ्टर ईस्टर्न वार्निंग। चेतावनी दी गई, धमकी दी गई कि आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करोगे। मोरल क्या है इस कहानी से, आपको क्या सीख मिलती है बेटा? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, नेवर चीट अदर्स। हमें कभी भी किसी दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए। अब वो कितना चालाक था फर्स्ट फार्मर, आया और कहा कि मुझे मेरे पानी का पैसा चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, नाउ टेक योर वाटर इल्स वेयर आर पे रेंट टू द ऑनर ऑफ द वेल। या तो आप कहीं पानी निकाल के लेके चले जाइए, या उसका भाड़ा इसको इनको दीजिए। भाई आपका पानी इन्होंने अपने कुएं में रखा है, आप उसके लिए उनको भाड़ा दीजिए, आपका पानी उनके कुएं में है, कुएं का मालिक वो हैं। तो इस तरह से हमें कभी भी किसी दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। बेटा कल हम आपको पेज नंबर 19 टेल मी व्हाई पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको 5 शॉर्ट नोट लिखवाएंगे और 4 क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग जितना भी लिखा है पढ़ाया जा रहा है रेडी करिए, इसको कॉपी में लिखना नहीं, केवल कहानी थी जो कि मैंने बता दिया। ओके, टेक केयर।